प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे का आज तीसरा दिन है और आज पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी न्यूयॉर्क में यूएन महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस शिखर सम्मेलन का विषय होगा बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान। शिखर सम्मेलन में बड़ी संख्या में वैश्विक नेताओं के भाग लेने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे पहले पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क के नासाउ कोलोजियम में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने संबोधन में कहा कि अब अपना नमस्ते भी लोकल से ग्लोबल हो गया है। पीएम ने अपने एक घंटे से अधिक के भाषण में भारत की तरक्की से लेकर तमाम पहलुओं पर चर्चा की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर नई राह दिखाई। दुनिया के लिए AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं मानता हूं कि AI का मतलब है अमेरिकन इंडियन। अमेरिका इंडिया ये स्पिरिट है और वही तो नई दुनिया का AI पावर है। अपने अमेरिका दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी टेक कंपनी के CEO से भी मिले। पीएम ने टेक कंपनियों के प्रमुख CEO के साथ राउंड टेबल मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने भारत की विकास की संभावनाओं पर जोर दिया और विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की।